A very good morning, class. So, as you all know that we were doing this chapter, that is transport and communication. Transport wala topic humne already cover kar liya tha, and today we'll do this topic, that is communication. Now, what is the meaning of communication? Communication ka matlab communicate karna means jo bhi aap apne opinion ya apna suggestion ya kuch bhi agar aap bolna chahte ho. So, here you are the sender. Aur jo bhi aapne apna message communicate karna hota hai, wo aap kisko karte ho? जो आप होता है रिसीवर. सो कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स व्हेन द ह्यूमंस आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, राइट? मीन्स जो भी वो अपनी बात है वो कहना चाहते हैं. सो दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन ओनली. एंड कम्युनिकेट आप जस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, यू एक्चुअली रिक्वायर मीडियम, यू एक्चुअली रिक्वायर अ वे जिससे आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सको, राइट? सो ह्यूमंस हैव बीन कम्युनिकेटिंग सिंस एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने टाइम से ही जो ह्यूमंस है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट जो एक फास्टर और जो एक रिलायबल मी दैट एक्चुअली स्टार्टेड इन द 19th एंड द 20th सेंचुरीज, मीन्स डिफरेंट वेज एंड यू नो डिफरेंट एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स बन गए जिसके थ्रू वन पर्सन कैन कम्युनिकेट टू द अनदर पर्सन, राइट? वैसे तो यू कैन कम्युनिकेट फेस टू फेस ऑल्सो, बट वेन देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, एक डिस्टेंस बन जाता है, एंड देन इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट देन इट इज ईजी थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस चैप्टर, राइट? तो वो डिफरेंट जो मीडियम्स है वो आपको पता चलेंगे जिसके थ्रू यू कैन कम्युनिकेट. यू कैन कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, यू कैन कम्युनिकेट एनीथिंग यू वॉन्ट टू से टू द अनदर पर्सन थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी ऑल आर गोना डू इज पोस्टल सर्विस. मीन्स थ्रू द हेल्प ऑफ दिस पोस्टल सर्विस हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? सो इंडिया हैज़ अ लार्ज पोस्टल नेटवर्क एंड उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया पोस्ट, ठीक है? सो इंडिया का जो पोस्ट है उसका एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एंड वास्ट पोस्टल नेटवर्क है, एंड इट इज़ अ वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये सबसे ज़्यादा मतलब हम यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेन वी नीड टू कम्युनिकेट. हमने कोई भी पोस्टकार्ड्स, लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, पार्सल्स कुछ भी भेजना होता है, सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टल सर्विस. मीन्स वॉट यू नीड टू डू इज दैट आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, आपने जो भी भेजना है, इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड अ लेटर यू कैन गो एंड ड्रॉप इट इन द पोस्ट ऑफिस, ठीक है? एंड विद इन फ्यू डेज जो है आपका जो भी लेटर है वो जो रिसीवर है उसको मिल जाता है. मीन्स वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मैंशन द एड्रेस, राइट? स्टैम्प कार्ड्स लगते हैं एंड जो भी आपका लेटर है वो पहुंच जाता है, राइट? सो बेसिकली देर आर अबाउट 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इन आर कंट्री. तो हमारी कंट्री में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, राइट? एंड अगर आपने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना हो दैट यू एक्चुअली नीड टू डिलीवर अर्जेंटली, अगर आपने जल्दी से जल्दी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना होता है, इफ़ यू वॉन्ट दैट जो टाइम पीरियड है वो कम लगे एंड योर डॉक्यूमेंट शुड रीच एट अ यू नो वेरी लेस टाइम विदाउट टेकिंग मच टाइम, तो यू कैन गो फॉर द स्पीड पोस्ट फैसिलिटी. तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, दिस इज ऑल्सो अ मीडियम, और दिस इज ऑल्सो अ वे थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट, राइट? Now the second means of communication that we'll be discussing is telephone. आप सबको पता है through the help of telephone we can communicate, we do communicate, हम communicate करते हैं whatever we want to convey through, you know, हम बोलते हैं and through the help of telephone जो है वो चीज़ receiver तक पहुँच जाती है, right? So all of you know that जो fastest means of communication है जिससे आप communicate करते हो, जो आप communicate करते हो वो बहुत ही जल्दी and in a very fast way it gets communicated to you know in this time and it is through the help of telephone. So basically ये जो telephone था it was invented by Alexander Graham Bell, right? And who is this? He was a Scottish born inventor and engineer. एंड इन्हें सारा क्रेडिट दिया जाता है बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन, राइट? बट अनदर पॉपुलर डिवाइस जो आज के टाइम हम यूज़ करते हैं, राइट, वो है स्मार्टफोन्स. मतलब टुडे ऑल ऑफ अस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स. तो पहले के टाइम पीपल यूज़ करते थे लैंडलाइंस, फिर मोबाइल फोन्स आए, एंड मोबाइल फोन से आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
स्मार्टफोन्स. सो इट कैन बी यूज एज अ कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर के जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो सेंड मैसेज और यू वॉन्ट टू रिसीव मैसेज या यू वॉन्ट टू मेक अ कॉल, ठीक है, सो यू कैन ईजिली डू इट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स. एंड आज के टाइम में ऑल ऑफ यू नो दैट वॉट देर लाइक मैनी थिंग्स यू डू विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स में इतने मैसेज या यू वॉन्ट टू मेक अ कॉल, ठीक है, सो यू कैन ईजिली डू इट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स. एंड आज के टाइम में ऑल ऑफ यू नो दैट वॉट देर लाइक मैनी थिंग्स यू डू विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स में इतने ऐप्स हैं, ठीक है, एंड विद जस्ट अ स्मार्टफोन एंड that facility of internet you can do shopping, theek hai, bahut sare social networking sites hain from where you gain a lot of knowledge, even ki jo aap aaj ke time, theek hai, like in this today's time aap jo ye zoom classes attend kar rahe ho, jo bhi aapko homework milta hai, each and everything is possible right through the help of that internet or wo smartphone. And jo bhi matlab like मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वॉट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्टफोन्स ओनली जो आप तक ये पहुँच रहे. सो टेलीफोन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का, राइट. नाउ आई विल शो यू दिस पिक्चर. सी, दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन्स ओवर द ईयर्स. पहले तो लैंडलाइन फ़ोन्स थे, देन द मोबाइल फ़ोन्स एंड नाउ स्मार्टफोन्स, राइट. सो फर्स्ट we used to do hum ye wala phone use karte the, then this phone came and now we are using this phone, right. So this is the development that has taken place over the time, and telephone is a very important means of communication. Now students, we'll do intercom. Intercom is also a means of communication. So basically what is a intercom? To ek jo intercom hota hai, ye ek electrical device hoti hai, right. And basically this electrical device helps people to talk at different floors. Like for example, there is a building, ठीक है, यहाँ एक office है और उसके different floors हैं. So if one person is sitting at first floor, so he can talk to or he can communicate to a person who is sitting at the second or third floor, right, in that same building with the help of this intercom. So the intercom is an electrical device that allow people in different floors of our same building to speak to one another. And intercom bhi ek aisa means hai jiske sath aap communicate kar sakte ho with one another, right. Now we'll be doing one more means of communication, that is fax. So basically a fax machine is an instant means of communication. Now what is the meaning of instant? Instant means very, very quickly, right. So what does a fax machine does, like kya hoti kya hai ek fax machine? First I'll show you the picture. See, this is a fax machine, right. So basically hota kya hai, ye jo machine hoti hai is connected to a telephone line. Ye ek telephone line ke sath connected hoti hai. And ये basically use की जाती है, it is used to send a copy of a handwritten or printed material and photographs. Like अगर किसी ने कोई photograph भेजनी है या फिर कोई handwritten चीज़ भेजनी है या कोई printed material निकालना है, so it can be easily taken out with the help of this fax machine, right? और ये जो machine होती है, it is at the end of the, like it is at the receiver's end, and ये receiver के end पे क्या करती है, प्रिंट करती है एंड एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली. लाइक जो भी डॉक्यूमेंट, लाइक इफ आई वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट, सो मैं यहाँ से सेंड कर दूंगी एंड थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्स मशीन वो जो डॉक्यूमेंट है वो विदाउट टेकिंग मच टाइम वो डॉक्यूमेंट एज इट इज निकल आता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट एनी थिंग, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट करना है, मीन्स डॉक्यूमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आपने किसी दूसरे पर्सन को भेजनी है, एंड इट कैन बी ईजिली डन. So another means of communication is internet. So the internet is the latest means. आज के time में सबसे ज़्यादा जो latest means चल रहा है communication का, that is internet means trending, right? So it is a global network of computers. जितने भी globally जितने भी computers हैं उनका एक global network है, right? And that is internet. So हमने अगर कोई भी information seek करनी है on any topic, what you just need to do is that ask, like if we'll talk in practical also, कि अगर आपने practically अगर हम बात करें तो अगर आपने कोई भी information निकालनी होती है किसी भी चीज़ के
के ऊपर. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वर्ड का मीनिंग निकालना होता है, वॉट यू नीड टू डू इज दैट यू जस्ट हैव टू टाइप इट ऑन द लाइक गूगल पे, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ के रिगार्डिंग दैट एग्जैक्ट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो मिल जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट? सो वी कैन सीक इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट. जो लाइक लोग हैं, लाइक जो पीपल हैं, दे कैन ऑल्सो शॉप एंड इवन डू बैंकिंग थ्रू द इंटरनेट. सो दे आर वेरियस शॉपिंग साइट्स लाइक अमेजोन, मिंत्रा, ठीक है? तो इन साइट्स पे जाके आप इवन शॉपिंग भी कर सकते हो. यू कैन इवन डू बैंकिंग, लाइक जो नेट बैंकिंग वगैरह होती है, ठीक है? सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अगर आपने यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफ़र करनी होती है, इवन कि अगर आपने लार्ज फाइल्स भी ट्रांसफ़र करनी होती है, लाइक इजी विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट. एंड वी डू ऑल्सो कॉल इट एज वेब ट्रांसफ़र, राइट? वेब ट्रांसफ़र क्या होता है? वेन वी कैन ट्रांसफ़र वेरी लार्ज फाइल्स टू लाइक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द इंटरनेट, और इसी को हम वेब ट्रांसफ़र करते हैं. वेब का मतलब लाइक इंटरनेट की हेल्प से आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, राइट? सो दैट्स वाई इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. और भी बहुत सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट वील बी रिवाइजिंग इन अर नेक्स्ट वीडियो, राइट? सो आई थिंक दिस मच इज सफिशेंट. आप इतना ही करो एंड जस्ट गो थ्रू एंड रीड दिस मच ओनली, राइट?